वो चीज़ आज बनाने वाला हूँ। शायद मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, सो मेरे आपसे यही गुजारिश है, आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। थोड़ा पेशेंस रखिए सो दैट यू विल गेट द होल डिटेल ऑफ इट, क्या है क्या नहीं है आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो डेमो दिखाने के लिए आप लोगों के सामने में रखा हूँ एक कटोर, छोटा कटोरी का थोड़ा चावल नॉर्मल, जो हम लोग का बॉडी सेल को रिप्रेजेंट करेगा, विटामिन सी चेरी सप्लीमेंट, आधा कटा हुआ एक नींबू, ये मैं रखा हूँ थोड़ा क्रश करने के लिए, विटामिन सी चेरी का जो टैबलेट है उसको क्रश करने के लिए। यह है बेटाडीन जो पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा हम लोगों का, 2 ग्लास, एक ये मानिए ये मिस्टर ए है और 1 ग्लास मानिए ये मिस्टर बी है और एक पानी का बोतल। तो सबसे पहले हम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को लेते हैं, फिर इन दोनों में सबसे पहले हम पानी डालेंगे, सेम अमाउंट का पानी हम डाल सकते हैं। सो इसके बाद हम जो करेंगे, इसमें हमको बॉडी सेल देना है क्योंकि ये जस्ट पानी है, जैसे मैं बोला आपको। थोड़ा इसमें हम चावल डालेंगे दोनों में, जो हमारा बॉडी सेल को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग का बॉडी बेसिकली सेल से बना होता है, सो ये तो सभी को पता होगा। सो दोनों में हम बॉडी सेल डाल दिए, तो ये एक मिस्टर ए ये मिस्टर बी, सो बॉडी सेल में डाल दिया इसमें। अभी हम इसमें थोड़ा पॉल्यूशन मिलाएंगे ताकि हमको पता चले इम्यूनिटी हम कैसे हो सकता है हम लोग को फ़ायदा विटामिन सी चेरी प्लस के साथ। सो पॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा बेटाडीन यूज़ करूँगा, दोनों में ही हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा डाल दिए फिर यहाँ पे भी थोड़ा डाल दिए। इसको मिला लेते हैं, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी बाहर निकलते हैं काम के लिए, वो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, सो फिर बाहर में जंक फूड खाते हैं, घर से टिफिन बनाने का उन लोगों के पास टाइम नहीं है। सो अभी देखिए उन लोगों का हालत क्या हुआ है जंक फूड खाते हुए, अगर आप देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए चावल पूरा काला हो चुका है, अगर आपको दिख रहा है तो देख रहे हैं आप, चावल पूरा काला हो चुका है, इसका मतलब पॉल्यूशन बॉडी का क्या हाल किया है सेल का, इसका भी वही हाल है। देखिए इसका भी वही हाल है, बॉडी सेल पूरा काला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर ए जो है ये एक्चुअली सप्लीमेंट लेते हैं विटामिन सी चेरी का, और मिस्टर बी जो है ये वाला ये कोई सप्लीमेंट नहीं लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि विटामिन सी के लिए हम लोग नींबू और ऑरेंज ज़्यादा कुछ लेने से ही सफिशियंट है। तो देखते हैं, तो मैं नींबू रखा हुआ कटा हुआ, तो मैं इस पर नींबू डालता हूँ, हम नींबू तो लिए, ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा इनको बॉडी में मिस्टर बी को। तो देखिए इसका नींबू डालने के बाद मिस्टर बी का सेल का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्यूनिटी का थोड़ा, मैं नींबू बहुत दिया लेकिन इनका इम्प्रूव हुआ है इतना ही, लेकिन इनको लगता है ये पूरा बेनिफिटेड है, पूरा बॉडी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है उनका, इम्यूनिटी का कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम इसमें जो डालेंगे, इसमें हम विटामिन सी चेरी का एक टैबलेट है, वो क्रश किया टैबलेट है, वो क्रश किया हुआ है और थोड़ा मैं क्रश करके देता हूँ, क्रश करके देता हूँ सामने आपका, ताकि आपको पता चले। मैं आधा ही टैबलेट लिया इसका विटामिन सी चेरी का, अगर आपको दिख रहा हो तो इसको मैं क्रश करूँगा। यहाँ पे मैं इसको पूरा क्रश कर चुका हूँ, विटामिन सी का जो टैबलेट है विटामिन सी चेरी का। अब मैं ये मिस्टर ए जो है इनको थोड़ा दूंगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट ये लेते हैं। सो मैं थोड़ा इसमें दे दिया, अब आप इसको घोलिए। फल दिख रहा है आपको? देखिए ये पानी जो था पॉल्यूशन वाला, जो बिटाडिन को मैं रिप्रेजेंट किया था पॉल्यूशन वाला पानी, तो ये विटामिन सी चेरी का टैबलेट, क्योंकि ये मिस्टर लेते हैं, इनका इम्यूनिटी बिल्डअप तुरंत हो गया। ये कोई वैसे नींबू पानी नहीं लेते हैं, और इनका बॉडी सेल का हाल देते हैं थोड़ा, क्या हालत है बॉडी सेल का। आप देख चुके होंगे थोड़ा, आप देख रहे होंगे सामने आपका, देखिए ये सफ़ेद हो चुका है दोबारा, मतलब इनका बॉडी सेल का जो डैमेज हुआ था वो पूरा रिबिट हो चुका है। दोबारा ये पॉल्यूशन में जाएंगे भी तो इनका इम्यूनिटी बिल्डअप हो चुका है। क्योंकि मिस्टर बी ये सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, इनका हाल वही है, ये और थोड़ा पॉल्यूशन हम डालते हैं इसमें, ताकि इसको पता चले इम्यूनिटी का हाल क्या है। तो मिस्टर बी में थोड़ा डाले हम पॉल्यूशन, तो ये और ख़तरनाक हो गया। अभी कितना भी हम नींबू निचोड़ दीजिए इसमें, वो रिबिल्ड नहीं हो रहा है फसल और सेल, ऐसा ही है। देखिए और ख़तरनाक हो चुका है इसका, तो सेल का हालत बहुत ख़राब है इनका। दोबारा इसमें हम डालते हैं मिस्टर ए में, देखिए आप मिस्टर ए में हम पॉल्यूशन डालने के बाद भी, क्योंकि इनका इम्यूनिटी बढ़ चुका है बहुत, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पॉल्यूशन में जाने के बाद भी। देखिए आप, तो देखिए इनका सेल जो बन चुका है रिबिल्ड होकर इम्यूनिटी के लिए, वो वापस कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनको पॉल्यूशन में जाने के बाद भी। इनका सेल सफ़ेद है, मतलब सेल रिपेयर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिस्टर ए जो है इनके साथ अभी मिस्टर बी का बातचीत हुआ है, क्योंकि वो दिक्कत हो रहा है उनको इम्यूनिटी के चलते, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ का। तो मिस्टर ए का बात सुन के मिस्टर बी जो है वो भी सप्लीमेंट लेना चालू किए। तो ये मिस्टर बी है, तो ये मिस्टर ए से बात करके ये भी मिस्टर बी का एक बात सुन के सप्लीमेंट लेना चालू किया। देख रहे हैं आप, अभी देखिए मिस्टर बी का भी हालत देखिए, क्योंकि ये बहुत देर में लिए हैं तो इनका सेल रिबिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको घोलना है ताकि पॉल्यूशन उनको बाहर निकलने में टाइम लगेगा थोड़ा। अभी देखते हैं थोड़ा, थोड़ा रिपेयर हुआ है इसका, देखिए का देखिए थोड़ा रिपेयर हुआ है। अब इनको और थोड़ा देते हैं विटामिन सी का अभी, क्योंकि ये विटामिन सी लेना चालू किए हैं इन मिस्टर बी भी, तो इनको भी हम विटामिन सी का टैबलेट देना चालू किए सप्लीमेंट। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख सकते हैं मिस्टर बी का भी सेल रिपेयर हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, यही था एक छोटा सा डेमो विटामिन सी चेरी का टैबलेट जो है हम लोगों का न्यूट्रेट का, कैसा है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट मिल चुका होगा, ईमेल आईडी, सो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा जो फ्यूचर रिलेटेड वीडियो आए यहाँ पे, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस सपोर्ट, एंड अब दोबारा मिलते हैं और एक अच्छा वीडियो के साथ।